अरविंद केजरीवाल जी भी ये कहते हैं कि वो सबसे बड़े दावेदार हैं प्रधानमंत्री बनने के, नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा है, इसलिए बीजेपी में शामिल करने के लिए आप उनको बार बार परेशान कर रहे हैं, क्या लाना चाहते हैं बीजेपी में? अब देखिए, इस पे मैं बोलना चाहता हूं, कौन है अरविंद केजरीवाल? आज जिस दिल्ली में वो मुख्यमंत्री के रूप में इतनी बड़ी आशा जगा के आए थे, आज उसी दिल्ली में हर आदमी सोच रहे जल्दी इसको जेल भेजो, गलियां दिल्ली की गलियां चित्कार कर रही हैं, दिल्ली के सड़कों पे जब हम निकल रहे हैं, मतलब मेन सड़क छोड़ दीजिए, मेन सड़क में बहुत सारी सड़कें, अब आप कहिएगा चलो NH 24 देखो, चलो तुम ये एलिवेटेड रोड देखो, तो या बड़ी बड़ी सड़क या धौला कुआं एयरपोर्ट जाती हुई सड़क देखो, ना उनको मत देखिए उसमें तो, या प्रगति मैदान का टनल देखो, ये मत देखें, ये तो केंद्र सरकार कर रही है। जिन सड़कों को दिल्ली के गलियों की छोटी सड़कें बोलते हैं, उनमें जाते हुए लोग ऐसी ऐसी बातें कहते हैं उस अरविंद केजरीवाल जी के लिए, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे अब नहीं आ सकते। आम आदमी पार्टी कहती है कि आप रेड करते हैं, रुपया नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, दिखा कुछ नहीं, लेकिन बार बार भ्रष्टाचारी बनाकर उनका भ्रष्टाचार पर उनका आरोप लगाते रहते हैं, कहते हैं साबित नहीं होता। ये आम आदमी पार्टी कहती है कि हम पे कुछ साबित नहीं होता है, लेकिन बीजेपी रोज छीटाकशी करती रहती है। साबित नहीं होता तो मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिल रही? साबित नहीं होता तो सत्येंद्र जैन को बेल क्यों नहीं मिल रही? थोड़ी देर के लिए बेल मिली है, वो भी मेडिकल आधार पे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। साबित नहीं होता तो कोर्ट थोड़ी भारतीय जनता पार्टी है, कोर्ट तो कोर्ट है। अगर आप अपनी फ्रस्ट्रेशन में कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा करते हैं तो फिर वो आपका मन है। लेकिन दिल्ली की जनता को जो छल, जो धोखा अरविंद ने दिया है, वो मैंने राजनीतिक इतिहास में नहीं देखा है। मनोज्ञा जी, मनोज तिवारी जी दिल्ली से ही चुनाव लड़ेंगे कि बिहार जाने का, प्रस्थान करने का भी कोई प्रस्ताव है? क्यों जाएंगे बिहार? मैं तो, ये अरविंद केजरीवाल जी जरूर चाहते होंगे कि मनोज तिवारी यहाँ से चला जाए। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखो, हम जब अध्यक्ष बने, उनकी 70 में 67 सीट आई थी, तब मैं अध्यक्ष बना था, 2015 में उनकी आई थी और 2017 में मेरे अध्यक्षता में चुनाव हुआ, एमसीडी जीता था। हाँ, उनको 272 में 67 पार्षद नहीं मिले मनोज्ञा जी, मगर हमारी पार्टी, हम खुद, हम लोग दिल्ली की, जो दिल्ली का हक है उसको देना है 2024 में नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना के, और 2025 में इसी दिल्ली का विश्वास लेकर के दिल्ली को नरेंद्र मोदी जी के सपनों के अनुसार बना करके देना है, तब अपना सपना पूरा होगा। आप हमारी दिल्ली के गांव में चलिए, जो स्थिति है लोगों की, हर तरफ दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के व्यवहार से, उनके भ्रष्टाचार से, उनके दिल्ली के प्रति उदासीनता से परेशान है। कि हम दिल्ली की जनता को आज भी आपके इस नेताजी को, आज नाश्ते पे जो आप घेरे हो ना, तो भी हम यही कहेंगे कि दिल्ली की जनता एक बार नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा करके दिल्ली भी दे, दिल्ली का वो 70,000 करोड़ रुपया का जब आवंटन नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के अनुसार होगा, दिल्ली दुनिया की जो सर्वश्रेष्ठ राजधानियों में से एक बन जाएगी, इसका विश्वास मैं दिल्ली को दिलाना चाहता हूं, और वो हम करके रहेंगे। अरविंद केजरीवाल कितनी कोशिश कर ले, मनोज तिवारी को यहां से भगा नहीं सकते। ABP News, आपको रखे आगे।